बड़े सूरज इधर फिलहाल करीब करीब है पूरे हिंदुस्तान में प्री बोर्ड प्रारंभ होने वाला है और बिहार बोर्ड में टेस्ट एग्जामिनेशंस कम समय में ज्यादा उपलब्धि, कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान, इसको कहते हैं हम लोग गागर में सागर की लोकोक्ति। गागर में सागर की लोकोक्ति आपने सुना होगा, उसी को मैं सार्थक, उस लोकोक्ति के वो सार लोकोक्ति के सार्थकता को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, 4 नंबर का संधि और संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं, संधि और संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं। खासकर 2024 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए संस्कृत में व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, दो ही संधियां पढ़नी आप लोगों की है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको संधि विच्छेद से संबंधित रहेगा, मल्टीपल चॉइस से रहेगा, दे देगा सदैव का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा, या सदैव का संधि विच्छेद करें, मनोज का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा, मनोज का संधि विच्छेद करें, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और 4 अंक तो आपके कंफर्म हो जाएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से, और व्यंजन संधि में क्या क्या पूछे जाएंगे और विसर्ग संधि में क्या क्या पूछे जाएंगे मैं उसको भी अभी शेयर कर रहा हूं। व्यंजन में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार के संधि संधि विच्छेद को पढ़ना है, और विसर्ग में किस प्रकार के संधि विच्छेद को पढ़ना है, ताकि आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाए, यह मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले क के जगह पर ग, प्रथम वर्ण के जगह पर तीसरे वर्ण का प्रतिस्थापन, प्रथम वर्ण के जगह पर तीसरे वर्ण का प्रतिस्थापन, यह ध्यान रखेंगे। क का ग, चूंकि शॉर्टकट बता रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया है गागर में सागर। देखिए वाक जोड़ ईसा, देख क के जगह पर मैंने क्या लिखा, ग, इस प्रकार के, यहां पर क है यहां पर ग है, प्राक जोड़ ए वो प्रागेव क की जगह पर गो, और यहां पर इंडिकेट भी मैंने कर दिया है, क को डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन गो करेगा, क को प्रतिस्थापित गो करेगा। दिक जोड़ गज, क का क्या बनेगा, गो दिग्गज। वाक जोड़ जालम, क का क्या बनेगा, गो। इस प्रकार के संधि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बन जाना, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण के द्वारा प्रतिस्थापित करना, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण के द्वारा प्रतिस्थापित करना। अब देखिए च और ज, फिर वही बात है, तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित करना। अच जोड़ आदि, अच जोड़ आदि, यहां देख रहे हैं चौ, यहां क्या बना है, जो, यहां देख रहे हैं चौ, यहां बना है जो, अच जोड़ अंत अजंत, अच जोड़ आदि आजादी, तो को ड के द्वारा प्रतिस्थापित करना, तीसरे प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण द्वारा, यहां देख रहे हैं टो, यहां देख रहे हैं डो, यहां देख रहे हैं टो, यहां देख रहे हैं डो, मैंने यहां पे निकेट भी कर दिया है। तो सट जोड़ दर्शनम, सट दर्शनम, सट जोड़ एव सदैव, तो को द के द्वारा विस्थापित करना, तो को द के द्वारा विस्थापित करना। तत् जोड़ एव, यहां तो है यहां दो बना, उत जोड़ एति उदेति, यहां तो है यहां दो बना, महत जोड़ भयम,
यहां पर तो है, यहां दो बना। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित करना, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित करना, इतना आपको 2024 के बोर्ड में इससे संबंधित संधि विच्छेद चार अंक के पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम विसर्ग संधि में, अब हम चलते हैं विसर्ग संधि में। देखिए किस प्रकार के रहेंगे, ये जो ओकार है उसको विसर्ग कर देना, मनह जोड़ जौ मनोज, ये ओकार है इसको विसर्ग में कर देना है, मनह जोड़ रथम मनोरथम, ये आधा जो तालब सौ है उसको विसर्ग में कर देना है, कह जोड़ चौरह कस चौरह, आधा ये तालब सौ है उसको विसर्ग में कर देना है, कह जोड़ छात्र कस छात्र। ये जो रौ देख रहे हैं निरु रौ आधा रौ, इसको विसर्ग में कन्वर्ट कर देना है, निह जोड़ उपाय, यहां पर रौ है रौ, दुर्गंध दू जोड़ गंध रेप का आपका विसर्ग कर देना है, सह जोड़ एति, जब दोनों को एडजस्ट करेंगे तो ये विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग लोपन कहते हैं, स एति, एसह जोड़ याति, इस विसर्ग को हट जाएगा, एस याति। अब देखिए प का डिस्प्लेसमेंट ब द्वारा इसका है, अप जोड़ जम प का बन जाएगा ब, देख रहे हैं प का बन जाएगा ब, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित होना, पवर में ये हो गया पवर का तीसरा वर्ण, अप जोड़ धी अवधि पवर का तीसरा वर्ण, प फ ब ध विस्थापित होना द के द्वारा, बुद्ध जोड़ बुद्ध जोड़ धी बुद्धि त थ द ध त थ द ध, तो द का ध द्वारा। उसके बाद देखिए शुद्ध जोड़ ध शुद्ध, युद्ध जोड़ धम युद्धम, भ का ब द्वारा, लब जोड़ धा लब धा। इस प्रकार से अगर आप इसको केयर करेंगे तो चार नंबर आपके झोली में जाएंगे, कंफर्म, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन आपको तो थोड़ा सा केयर करना ही है, कवर किसको कहते हैं, क ख ग घ अंग, चवर्ग तवर्ग पवर्ग, पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण, तो व्यंजन में खासकर है पहले वर्ण का प्रतिस्थापन तीसरे वर्ण द्वारा, तो ये हो गया पहले वर्ण का तीसरे वर्ण द्वारा। विसर्ग संधि में मैंने बताया ओ का विसर्ग, ओ का विसर्ग, आधा तालब सौ का विसर्ग, आधा तालब सौ का विसर्ग, रौ का विसर्ग, रौ का विसर्ग, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो विसर्ग का लोप विसर्ग लोपन कहलाता है, प का ब में कन्वर्ट करना, ध का द में कन्वर्ट करना, भ का ब में कन्वर्ट करना। इस प्रकार से चूंकि ये आपका पूर्व परीक्षा के पहले जो जांच परीक्षा होती है आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, आप बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं 17 से प्री बोर्ड है, कहीं 18 से है, कहीं 16 से है, तो प्री बोर्ड के ख्याल से और वार्षिक परीक्षा 2024 के ख्याल से मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी परीक्षा में जो प्री बोर्ड होने वाला है और आगामी जो 2024 की परीक्षाएं फरवरी से प्रारंभ होने वाली है, उसमें आपका भरपूर ये चार नंबर आपके झोली में गिरेंगे। और एग्जाम देने के बाद, प्री बोर्ड का एग्जाम देने के बाद भी मेरे कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में, इसके लिए आप बधाई के पात्र होंगे। थैंक यू वेरी मच।